2024 में और 2025 में बहुत से जवान लोग मर जाएंगे, और जब उनकी स्टडी की जाएगी तो ये निकलेगा कि उन्होंने कोरोना से बचने के लिए क्या आपने भी कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई थी। अगर हाँ तो ये खबर आपके ही लिए है, क्योंकि कोरोना महामारी के लगभग 4 साल के बाद इस वैक्सीन को बनाने वाली कंपनी ऑक्सफोर्ड एक्स्ट्राजेनेका ने खुद ये माना है कि इस वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स हैं। भारत में इस वैक्सीन को आधार पूनाबाला के सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया था, और अब कंपनी ये बात मान रही है कि इस वैक्सीन को लगाने के बाद खून के थक्के जमना, हार्ट अटैक या तक कि ब्रेन स्ट्रोक जैसी बीमारी तक हो सकती है। हैरानी भरी बात यह है कि यूके के कोर्ट में इन सभी बातों को कबूल करने के बाद भी जो पीड़ित पक्ष है उन्हें मुआवजा देने से कंपनी बचती दिखाई दी है। दोस्तों, जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, प्रभु में आनंदित होंगे। और आज की इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। और इस वीडियो को हो सके जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आज से कुछ साल पहले हमारे दुनिया के अंदर एक वायरस आया था, जो हमारे देश के अंदर भी था, जिसका नाम था कोरोना वायरस। और उस बीमारी से काफ़ी लोग पीड़ित थे, काफ़ी लोगों की जान भी इस बीमारी की वजह से गई थी। लेकिन दोस्तों, उसके बाद में हमारे देश में काफ़ी दिन लॉकडाउन भी रहा था, और उसी लॉकडाउन के दौरान हमारे देश में दुनिया के लोगों को एक वैक्सीन दिया गया था, जो कोविड वैक्सीन था। उस वैक्सीन का साइड इफेक्ट उन दिनों में भी कुछ लोगों के ऊपर देखने को मिला था। लेकिन उस बात के बाद में अभी उन बातों का फिर से खुलासा हो रहा है कि किस प्रकार से वो जो वैक्सीन लोगों को लगाई गई थी, उस वैक्सीन का एक जो साइड इफेक्ट है वो आज लोगों के अंदर देखने को मिल रहे हैं, और इस चीज से बहुत ही हैरानी होती है। सो पहले आप लोग ये वीडियो देखिए, फिर आगे मैं आप लोगों को एक वीडियो और दिखाने वाला हूं, जिसमें किस प्रकार से परमेश्वर के दास अंकुर नरुला जी ने इस बात का खुलासा पहले ही कर दिया था। उन्होंने भविष्यवाणी इस बात के लिए पहले ही कर दी थी कि जो आज हो रहा है, जो वैक्सीन, जो टीके वगैरह लग रहे हैं इस बीमारी की वजह से, इसका साइड इफेक्ट किन चीज़ों में देखने को मिलेगा और किस तरीके से देखने को मिलेगा, वो भी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं। सो पहले आप इस वीडियो को देखिए, ताकि आप इस बात से कंफर्म हो सके कि आज जो कोरोना वायरस के अंदर जो वैक्सीन लगी थी, उस वैक्सीन का क्या साइड इफेक्ट है और उसकी क्या खुलासे हैं। पहले आप इस वीडियो को देखिए। कोविड वैक्सीन पर एस्ट्राजेनेका के खुलासे ने दुनिया भर में सनसनी पैदा कर दी है। एस्ट्राजेनेका ब्रिटेन की कोविड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी है, जिसने कोविड काल में देश विदेश में कोविशील्ड और वैक्स जेवरिया नाम से कोविड वैक्सीन बेची थी। कोविशील्ड वैक्सीन भारत में 70% से अधिक लोगों को लगाई गई है, और पीएम मोदी ने खुद इसका जमकर प्रचार किया था। वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट पर पीएम मोदी की फोटो छपी होती थी। पीएम के भरोसे में कोविड के डर के चलते जनता ने कोरोना महामारी से बचने के लिए ये वैक्सीन तो लगवा ली, लेकिन वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स को लेकर लंबे समय से जो विवाद चल रहा था, उस पर बड़ा अपडेट सामने आ गया है। एस्ट्राजेनेका ने ब्रिटिश कोर्ट में अपनी वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स को स्वीकार कर लिया है। ब्रिटेन की फार्मा कंपनी ने माना है कि उसकी कोविड-19 वैक्सीन से खतरनाक साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। कंपनी ने बताया कि उनकी वैक्सीन से कुछ मामलों में शरीर में खून के थक्के जम जाते हैं और प्लेटलेट्स की संख्या गिर जाती है। वैक्सीन से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ रहा है। इस खुलासे के बाद वैक्सीन को लेकर तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। जनता मोदी सरकार पर सवाल उठा रही है। सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे का इस्तेमाल कर जनता को वैक्सीन की प्रभावशीलता का भरोसा दिलाकर सबको ये वैक्सीन लगवाई। कोरोना के दौर में भी सरकार पर ये आरोप लगाए जा रहे थे कि वैक्सीन का ट्रायल पूरा किए बिना ही उसे मार्केट में लॉन्च कर दिया गया था। तर्क दिए जा रहे थे कि किसी भी वैक्सीन के ट्रायल के लिए 2 साल का वक्त लगता है, लेकिन कोरोना की वैक्सीन 1 साल के अंदर ही सप्लाई कर दी गई। और अब जब इन साइड इफेक्ट्स की पुष्टि हो गई है, तो मोदी सरकार ने इस पर चुप्पी साध ली है। जनता के अंदर मोदी सरकार के खिलाफ आक्रोश साफ देखा जा सकता है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि सरकार ने पूरे देश की जनता की जान के साथ खिलवाड़ किया है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि इन आरोपों पर क्या सफाई देंगे पीएम मोदी, और इन वैक्सीन के साइड इफेक्ट से निपटने के लिए अब क्या कार्रवाई आती है सामने। तो दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को देखा और आप लोग इस बात से कंफर्म जरूर हो गए होंगे कि जिस समय हमारे देश के अंदर कोरोना वायरस था और उससे बचने के लिए लोगों को कोविड वैक्सीन दी गई थी, और उस वैक्सीन के इफेक्ट आज आ रहे हैं खुलकर, और देश दुनिया के सामने ये बातें बहुत हैरान करने वाली हैं, और जो कि आप लोगों को पता चल गया होगा। लेकिन अभी मैं वीडियो दिखाता हूँ अंकुर नरुला जी की, जिन्होंने पहले इस बात का खुलासा कर दिया था, उन्होंने भविष्यवाणी की थी परमेश्वर की आत्मा में भर के। सो आइए इस वीडियो को भी हम देखते हैं। कोरोना से बचने के लिए क्या आपने भी कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई थी? अगर हाँ तो ये खबर आपके ही लिए है, क्योंकि कोरोना महामारी के लगभग 4 साल के बाद इस वैक्सीन को बनाने वाली कंपनी ऑक्सफोर्ड एक्स्ट्राजेनेका ने खुद ये माना है कि इस वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स हैं। भारत में इस वैक्सीन को आधार पूनाबाला के सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया था, और अब कंपनी ये बात मान रही है कि इस वैक्सीन को लगाने के बाद खून के थक्के जमना, हार्ट अटैक या तक कि ब्रेन स्ट्रोक जैसी बीमारी तक हो सकती है।
हैरानी भरी बात यह है कि यूके के एक कोर्ट में इन सभी बातों को कबूल करने के बाद भी जो पीड़ित पक्ष है उन्हें मुआवजा देने से कंपनी बचती दिखाई दी है। 2024 में और 2025 में बहुत से जवान लोग मर जाएंगे और जब उनकी स्टडी की जाएगी तो ये निकलेगा कि उन्होंने, मैं आगे नहीं बोलना चाहता, कि जो एक महामारी आई थी उसके बाद कुछ हुआ था, उन लोगों ने लिया था और ये रीजन निकलेगा उनके मरने का। आपको प्रार्थना करनी है जवानों के लिए, यंग लोग। पहले होता था जवान मर गया 40 साल का, आप 20, 18, 13, 12, 8, 9 आप सुने। दोस्तों आप लोगों ने इन वीडियोज को देख लिया होगा और आप लोग इस बात से टोटली कंफर्म हो गए होंगे और आप क्लियर हो गए होंगे कि अभी जो हमारे देश के अंदर चल रहा है किस प्रकार से लोगों को ये जो वैक्सीन थी इफेक्ट कर रही है और किस प्रकार से लोग आज भी इस बात को सुनने के बाद में बहुत से जो कमज़ोर दिल वाले हैं उन लोगों के ऊपर भी ये बातें कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट डाल रही है। उन्हें लगता है कि मैंने भी इंजेक्शन लिया था, मैंने भी ये इंजेक्शन लगवाया था, कहीं मेरे ये साथ ये ना हो जाए, कहीं मेरे साथ ये ना हो जाए, मेरा हार्ट अटैक आ जाए। बहुत सारे लोग डरे हुए हैं और आज ही हमारे देश के अंदर ये बातें खुलकर सामने आ रही हैं जो कि परमेश्वर के दास ने पहले भी ही बता दिया था। अभी हमें क्या करना चाहिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। देखिए, हम विश्वासी होने के नाते हमें प्रार्थना करना चाहिए और प्रार्थना करना ही हमारे लिए सबसे आसान तरीका है। हम हमारे देश के लिए प्रार्थना करें, दुनिया के लिए प्रार्थना करें कि ये जो कोविड वैक्सीन का जो इफेक्ट है जो लोगों के अंदर आज देखने को मिल रहा है, जिस बात के खुलासे हो रहे हैं, लोग डरे हुए हैं, लोग सहमे हुए हैं, लोगों को पता नहीं लगता है कि कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, तो उन लोगों के लिए जरूर हम प्रार्थना करें ताकि जो बीमारी भी चली गई लेकिन उस बीमारी के जाने के बाद भी आज जो बातें खुलकर सामने आ रही उस बात से भी लोग डरे हुए, खुदा उनके दिलों से इस डर को निकालें और ये लोग आजादी से अपना जीवन जी सके। क्योंकि उन दिनों में भी काफी लोगों के अंदर ये चीजें देखने को मिली थी और इस साल काफी चीजें मैंने भी अपने कानों से इन बातों को सुना है, देखा है, मेरे रिलेशन में भी ऐसी चीजें हुई हैं कि लोग अचानक से हार्ट अटैक से मर गए जो कि एकदम बिल्कुल सही दिखते थे और वो उन्हें कोई बीमारी नहीं थी, अचानक से ऐसा हुआ और अचानक से खबर आई कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। और ये बहुत से जवान लोगों के साथ भी हुआ था जो कि परमेश्वर की जो भविष्यवाणी है जो परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा की थी वो टोटली आज हमें कंप्लीट होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन दोस्तों परमेश्वर हमें क्यों इन बातों के लिए आगाह करता है, क्यों पहले बताता है अपने दासों के द्वारा, ताकि इन बातों को लेकर हम सचेत हो सकें, हम प्रार्थनाएं कर सकें और परमेश्वर हमारी रक्षा कर सके। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें क्लियरली कहता है, तेरी और हजार तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे परंतु वह तेरे पास ना आएगा। चाहे दुनिया में कुछ भी चल रहा हो, हमारी पृथ्वी के ऊपर कुछ भी हो रहा हो, हमारे देश के अंदर कुछ भी हो रहा हो, लेकिन अगर आप परमेश्वर के साथ चलने वाले लोग हैं, आपको कोई भी चीज़ इफेक्ट नहीं कर सकती, कोई भी बीमारी आपको दबा नहीं सकती, कोई भी बीमारी आपको डेथ नहीं कर सकती जब तक खुदा ना चाहे। ऐसा नहीं है कि विश्वासियों को रोग बीमारी नहीं होती, होता है, लेकिन वो बीमारी उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती जब तक खुदा नहीं चाहते, अगर आप खुदा के साथ चलने वाले लोग हैं। लेकिन मैं तो इतना ही आप लोगों को कहना चाहूँगा कि हमारे देश के लिए आप प्रार्थनाएं जरूर करें। इन दिनों में जो लोग डरे और सहमे हुए हैं, जिन्हें लगता है कि मेरे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, उनके अंदर जो डेविल ने विचार डाल दिए हैं वैक्सीन को लेकर, तो उन डर को परमेश्वर निकाले और हमारे देश के लोगों की परमेश्वर रक्षा करे, हमारे घर परिवार के लोगों की परमेश्वर रक्षा करे। तो जरूर हमें प्रार्थना करनी चाहिए और कभी भी हमें परमेश्वर के दासों के द्वारा दिए गए वर्ड जो हमें लगता है कि हाँ हमारी सिक्योरिटी के लिए है, कभी भी हमें उन्हें अनदेखा नहीं करना चाहिए, परंतु उन्हें देखकर हमारे देश दुनिया के लिए, हमारे लिए, परिवार के लिए, लोगों के लिए, सबके लिए प्रार्थनाएं करनी चाहिए। क्योंकि हम विश्वासी होने के नाते हम सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं और हम विश्वास करते हैं इस बात पर कि हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, वो निश्चय हमारे देश के लिए, हमारे घर के लिए, हमारे कार्य करेगा, वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। तो जरूर आप लोग प्रार्थनाएं करें और जो आपके आस पड़ोस में जो लोग रहते हैं जिनको ये खबर जिनके पास पहुंच गई, जिन्हें डर है, जिनके माइंड में कुछ ऐसी बातें बैठ गई, जरूर आप लोगों उनके साथ बातें करें और उन्हें बताएं कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, अब कुछ भी ऐसा नहीं होगा। सो कि आप एक पॉजिटिव वाइब उनके माइंड में डाल सकते हो, उन्हें एक पॉजिटिव हीलिंग दे सकते हो जो कि एक विश्वासी का सबसे मुख्य काम है
कि हमारे शब्दों से हमारे लोगों का उद्धार हो, लोगों को सही चीज़ें जानने को मिले, उनको कॉन्फिडेंस आए। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ज़रूर ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताइएगा कि क्या आपने भी ये जो कोविड वैक्सीन थी वो आपने लगवाई थी या फिर नहीं लगवाई थी। सो अगर लगवाई भी थी तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, परंतु आपको प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि मैंने एक वीडियो भी देखा था जिसके अंदर इस बात का खुलासा हुआ था कि ये जो कोविड वैक्सीन का जो इफेक्ट था वो उसका समय निकल चुका है, अभी ज़्यादा लोगों को इफेक्ट नहीं करेगी, मतलब इफेक्ट नहीं करेगी। सो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूर आप लोग प्रार्थनाएं करें और ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दें। अगर आपको हमारा कॉन्टेंट अच्छा लगता है, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है, तो ज़रूर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी ही और वीडियोज देखने के लिए, और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और जितना हो सके इस वीडियो को किसी ना किसी व्यक्ति के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि ये लोग अलर्ट हो सकें और प्रार्थना कर सकें। सो प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।